टैरो, तंत्र या जादू टोना, ऐसी गुप्त विद्या जर्मन राजधानी बर्लिन में पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हो गई है। केटी क्रचफील्ड उर्फ मिस लिलियन लक्स जैसे लोगों के लिए ये बढ़िया है। उनके पास लोग अपने कानूनी मसले, रिश्तों की उलझन और पैसों की परेशानी तक लेकर आते हैं और वह उन पर जादू चलाती हैं। मैं आपके लिए क्या जादू कर सकती हूँ? मैं चाहूंगी कि इस जादू से मेरे अंदर आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति आए। इस जादू के लिए आपको 100 यूरो तक देने पड़ सकते हैं। जादू करने से पहले मैं ग्राहक की दी सारी जानकारी को अपनी डायरी में दर्ज करती हूँ। फिर मैं उन अलग अलग तरीके के क्रिस्टलों, जड़ी बूटियों और रंगों के बारे में सोचना शुरू करती हूँ जिनका इस्तेमाल करना है। फिर मैं उन सबको इस तरह एक साथ लाती हूँ जो मुझे उस व्यक्ति के लिए उपयोगी लगता है। ये सारे मेरी ऊर्जा और इरादे को केंद्रित करने के प्रतीक होते हैं। केटी क्रचफील्ड ने 11 साल की उम्र में जादू टोने के बारे में पहली किताब पढ़ी थी। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद पौधों से इलाज वाली पद्धति की पढ़ाई की। उनके लिए जादू टोना सकारात्मक ऊर्जा पैदा करने का एक तरीका है। मैं कुछ तय करके इसमें नहीं आई, बल्कि ऐसा हुआ कि जैसे मेरा आह्वान किया गया हो। हर वक्त लोग अपने सवाल लेकर मेरे पास आते रहते हैं, अपनी परेशानियां लेकर आते हैं मुझसे जादू टोना करवाने, और मैं उन लोगों की मदद करना चाहती हूँ। करीब एक दशक से मानव विज्ञानी विक्टोरिया हेगनर नए धार्मिक आंदोलनों के बारे में शोध कर रही हैं, खासकर आधुनिक जादू टोने पर। उनका कहना है कि ऐसी विद्याओं में लोगों की बढ़ती दिलचस्पी जैसी घटना तब होती है जब वक्त में कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो। जादुई रस्मों को लेकर दिलचस्पी का एक चक्र चलता आया है। आप 18वीं या 19वीं सदी में भी जाकर देखिए, जब जादू टोने की बुनियादी तौर पर शुरुआत हुई मानी जा सकती है, तब आपको नजर आएगा कि लोग औद्योगिकरण के साथ सामंजस्य बिठाने के दौर में थे। 8 साल पहले ब्रिटेन से आकर बर्लिन में बसे थॉमस वाउल्स, हैना जॉय ग्रेव्स उर्फ कल्ट मदर के नियमित ग्राहक हैं। आज उनके लिए टैरो कार्ड बिछाए जा रहे हैं। कीमत है 1 घंटे के 80 यूरो। जादू और अध्यात्म मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है। मैं खुद रेकी का अभ्यास करता हूँ, इससे मुझे शांति और सुकून मिलता है। और टैरो मैं तब इस्तेमाल करता हूँ जब मेरे जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला हो या अपने बिजनेस से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना हो। पिछले साल कल्ट मदर ने टैरो कार्ड पढ़कर ही अपनी रोजी रोटी कमाई। महामारी के दौर में बर्लिन में जादू टोने का कारोबार खूब फला फूला। जो भी चीजें मुख्य धारा का हिस्सा नहीं होती, उनमें संकट के समय में बड़ा उछाल आता है। इसका इस्तेमाल करने वालों को एक तरह का निकास मिलता है। केटी क्रचफील्ड का मानना है कि वह अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर अपने ग्राहकों की सोच और भावनाओं को सकारात्मक बनाती हैं, लेकिन वे मानती हैं कि उनकी शक्ति की भी सीमा है। मुझे एक बड़ा ट्यूमर हो गया था जो आम के आकार जितना बड़ा था। क्या मैं उसका इलाज जादू से कर सकती थी? नहीं, मुझे ये पता है और मैं लोगों को भी साफ साफ बताती हूँ। अगर वो मेरे पास आकर कहें कि उनकी ऐसी हालत है, तो मैं कहती हूँ कि भावना और ऊर्जा के स्तर पर तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही होगा। आध्यात्मिक मार्गदर्शन की मांग उथल पुथल के दौर में और बढ़ जाती है। ये विद्या किसके कितने काम आती है, ये इस पर निर्भर है कि लोगों को उस पर कितना भरोसा है।